कई मित्रों को ये प्रश्न रहता है कि अडेनियम जो है छांव में जल्दी बढ़ता है या फिर जो है धूप में। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो मैं ना उन विषयों पे ज़्यादा काम करना चाह रहा हूँ जो अछूते हैं, मतलब जिनमें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं वो मैं भी जानता हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ तो मैं भी जानता हूँ कि कौन से विषय में मैं वीडियो बनाऊँ तो उनमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। लेकिन मैं उन विषयों में काम कर रहा हूँ जो विषय अछूते रह जाते हैं, जिससे जो जेन्युइन लोग जो गार्डनिंग सीखना चाहते हैं वो जो है वंचित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर हम अडेनियम बाजार से लेके आएँ, जैसे मैं नर्सरी से लेके आया हूँ, तो मुझे इसको बढ़ाने के लिए, इसकी जो है फॉयलेज बढ़ाने के लिए, इसको जल्दी बड़ा करने के लिए मुझे इसको धूप में रखना चाहिए या छांव में? दोस्तों धूप में रखने के कुछ अपने फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, और छांव में रखने के कुछ अपने फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं। ये दोनों बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब ये आपके ऊपर होगा, मैं दोनों बातों का जो है विश्लेषण करके बताऊंगा। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप इसको किस ढंग से लेते हैं और आप इसको अपने पौधे को कैसे पालना चाहते हैं। वैसे अगर हम मानवीय व्यवहार से समझना चाहें तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आप समझिए, एक बच्चा जो है पैदा होता है, स्कूल जाता है और उसके पेरेंट्स जो है मतलब उसको धूप में भेजते हैं। बहुत परेशानी से बच्चा स्कूल जाता है और बहुत परेशानी से वापस आता है, तो वो किस ढंग से डेवलप होगा? और एक छांव में पलता है, बिल्कुल अपना कार में गया, कार में वापस आया, तो दोनों में जो फ़र्क होगा वो आप समझ लीजिएगा। वही फ़र्क जो है पौधों के साथ होता है। देखिए जो पौधा धूप में पलता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि उसको उसकी बढ़त जो है स्लो होती है, वो स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन वो मजबूत बहुत होता है। उसकी जो मतलब एक एक तना, एक एक शाखा, एक एक पत्ती इतना अच्छा मजबूत होती है धूप में पले हुए पौधे की कि बहुत बाद में जो है इनके ऊपर ना तो पेस्ट का मतलब अटैक होता है ना कोई और अटैक होते हैं, और बहुत मुश्किल से मुश्किल अवस्था में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। लेकिन वहीं जब जो छांव में पला हुआ पौधा होता है उसको जो है जब धूप में जाना पड़ता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। वहीं जब दूसरी तरफ जो है धूप में पला हुआ पौधे को अगर आप छांव में ले आओ तो उसको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसने जो है मतलब मुश्किल से मुश्किल समय को देख लिया। लेकिन अडेनियम जो है वैसे धूप का पौधा है, इसको हम दूसरे ढंग से थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि अडेनियम जो है डेजर्ट रोज़ है। इसको ये जो है लगता ही ऐसी जगह पे है, रेगिस्तान जैसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। तो अगर आप इसको छाया में रखेंगे नो डाउट कि उसका फॉयलेज बहुत अच्छा होगा। जैसे ये मैंने पौधे को इसी ढंग से तैयार किया है, दोनों पौधों को मैंने इनको छाया में रखकर इस पोस्ट के लिए मैं तैयार कर रहा था कि मैं दिखा सकूँ आपको कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको फुटाव लाना है पौधे के अंदर, फुटाव नहीं आ रहा, आप छाया में रख दें जल्दी फुटाव आ जाएगा। और ये मतलब अगर धूप में रहेगा तो उसकी अलग जो है प्रक्रिया रहेगी, तो दोनों में फ़र्क है। बाकी मौसम के ऊपर भी, तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस समय ओवरऑल तापमान अच्छा है, ओवरऑल तापमान जो है 32-34 का चल रहा है। तो अगर जो यहाँ की छाया भी होती है उसमें जो एक आध घंटे धूप लग रही होती है वो भी जो है बहुत उसके लिए, उसकी बढ़त के लिए अच्छी रहती है। तो जैसे अब ये जो है हमारा नीचे पड़ा हुआ है, हमने इसको रूफ टॉप में नहीं रखा हुआ, तो एक दो घंटे की इसको धूप लगती है। तो इसका फॉयलेज देखिए, यहाँ से इसके फुटाव भी बहुत जल्दी आ गए। ये 6-7 दिन पहले जो है इसकी स्टिक जो है मैंने तोड़ दी थी, मैंने काट दी थी, और मैंने कहा देखते हैं इसका क्या परिणाम निकलता है। तो 6-7 दिन के अंदर इसने फुटाव ले लिया और इसका फॉयलेज भी है जब मैं लाया था उससे जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब जो है हर शाखा जो है बढ़त ले चुकी है। और यहाँ भी आप देखिएगा, मैं और पौधे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो मैं छत पे जा नहीं पा रहा था, मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है नसाज चल रही है। अब देखिए कितना अच्छा फॉयलेज इसका हो गया। और ये भी जो है पौधा जो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 इंच की इसने बढ़त ले ली है। और भी पौधे पड़े हैं, उन्होंने भी मैंने देखा कि अच्छे से बढ़त ली है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप बिगनर हैं और आपने छाया में पौधा रख दिया तो सबसे बड़ा नुकसान क्या आपका होने वाला है, आप वाटर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसको एक्सेस वाटरिंग तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल, और जहां आपने इसको एक्सेस वाटरिंग करी इसको रूट रॉट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बारिशों में रूट रॉट होता है, मेरी इस पे वीडियो आ चुकी है, मैंने अच्छे से बताया कि रूट रॉट क्यों होता है। अगर आप वाटर पे वाटर देते जाएंगे तो रूट रॉट हो सकता है। अगर आप इसको छाया में पाल रहे हैं तो आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है इसकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी को आपने 1.5 इंच 2 इंच चेक करके ही पानी देना है। जब 2 इंच सूख जाए तब आपने इसको वाटरिंग करनी है ताकि अच्छे से जो है ये इस, और दूसरा आपको इसके ड्रेन होल का ध्यान रखना है कि जो आप पानी डाल रहे हैं वो सारा का सारा इसमें स्टे तो नहीं कर रहा, नीचे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो ये छोटी सी बातें बिगनर्स के लिए हैं।
दूसरी बात, अगर आपकी टूरिंग जॉब है और आप या वर्किंग है, आप बहुत ज़्यादा टाइम पौधों को नहीं दे पाते पर थोड़ा बहुत शौक है आपको, आप प्लांट्स ले आते हैं, तो अगर आपका ये छाया में पड़ा रहेगा तो आप इसको 10 दिन भी, गर्मियों में भी 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी पानी नहीं देंगे तो इस पे जो है कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहीं छत पे अगर पूरी, जहाँ पे इसको 8 घंटे की धूप मिल रही होगी, अगर वहाँ इसको पानी नहीं मिलेगा तो इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो है एक मतलब लिमिट है इसकी। कि मैंने कहा था, जैसे एक दो वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नमी बनी रहनी चाहिए नीचे, नहीं तो जो इसकी हेयर रूट्स हैं वो डेड हो जाती हैं, और जब वो डेड हो जाती हैं तो दोबारा उनका उनको निर्मित होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सब आखिरी में एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसको छाया में पाल रहे हैं और आपको जो है इसको धूप में लेके जाना है, तो एकदम से 8 घंटे की धूप में आपको नहीं रखना है, इसको किसी पौधे के आसपास ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको 3 से 4 घंटे की धूप मिले। एकदम से आपने 8 घंटे की धूप में इसको नहीं डाल देना, कोई भी पौधा हो उसके साथ ऐसा नहीं करना है, ये प्रैक्टिस बन जाती है, बाद में मुश्किल होती है। तो ऐसी प्रैक्टिस बना लें, कभी भी छाया से धूप में लेके जाएं तो एकदम ना लेके जाएं, और अगर आपको बिल्कुल 8 घंटे की धूप से पौधे को नीचे लाना तो पहले आप उसको ऐसी जगह रख दें जहाँ पे थोड़ी 2-3 घंटे की धूप आती हो, और बाद में उसको 0% धूप में या 1 घंटे की धूप में या 15 मिनट की धूप में लेके आएं। तो ये अगर आप इस ढंग से अपना व्यवहार रखेंगे तो पौधे बहुत स्वस्थ चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। फॉयलेज बढ़ाने के लिए आप छाया में रख सकते हैं, फॉयलेज बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, जबकि जैसे ये 1.5 इंच बढ़ गया, अगर ये धूप में पड़ा होता तो ये 0.5 इंच बढ़ता, ये फ़र्क ज़रूर होता, लेकिन पौधा ज़्यादा तंदुरुस्त होता है, इस बात को जो है स्वीकार हमें करना होगा। तो मैं पोस्ट को यहीं विराम देता हूँ, यहाँ तक आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हैप्पी गार्डनिंग।